श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 403 तारीख 29/1/99 श्री देवचंद भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सर्वसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। चार सौ तीन नंबर छोटा सा पत्र है। तीन श्रीमद राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 403 किसी को लिखा है ऐसा नहीं लग रहा है, डेट डाल दिया है। देखिए, जे जे प्रकारे आत्मा आत्मा भाव पामे ते ते प्रकार धर्म नाशे। जिस विधि से जिस क्रिया से जो विचार से जीव आत्मा को देखना होवे, ऐसी कोई भी क्रिया हो वो धर्म के प्रकार है। कभी जिस प्रकार से आत्मा आत्मभाव को पामे, ऐसी कोई भी क्रिया हो विचार हो विकल्प ऐसी कोई भी साधना हो जिससे हमारा आत्मा आत्म स्वभाव में रहे, आत्मभाव की प्राप्ति हो। आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप ही। और आत्मभाव माने क्या? केवल जानना। ज्ञान स्वरूप ही आत्मा वो आत्मभाव को प्राप्त करे, मतलब सिर्फ जानना 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 रहे, ऐसा कोई भी प्रकार हो वो सब धर्म के प्रकार है। जिस जिस प्रकार से आत्मा आत्मभाव को पामे प्राप्त करे वो प्रकार धर्म के हैं। और जानना जानना मिटे और राग द्वेष होवे वो धर्म का प्रकार नहीं। अच्छा, आत्मा वितराग स्वरूप है तो जिससे वितरागता बढ़े वो आत्मभाव की प्राप्ति होवे वो प्रकार धर्म का है। और राग द्वेष उत्पन्न होवे वो आत्मभाव नहीं है। कैसे पता चलेगा कि आत्मभाव नहीं है? ये अपना आत्मा अभी इस वक्त राग द्वेष के परिणाम भी अच्छे बुरे भाव भी कर रहा है और अंदर में जानना 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 भी हो रहा है। आत्मभाव कौन सा है? सिर्फ जानना जानना वो आत्मभाव है। और राग द्वेष करना क्या चीज है? वो आत्मभाव नहीं है। क्यों? कि वो टिकने वाले नहीं है, वो आकर के चले जाते हैं और जानना जानना कायम रहता है। दृष्टांत से देवे तो पानी गर्म हुआ तो गर्मी जो उसमें प्रवेश करी है वो उसका असल स्वभाव नहीं है, वो उसका पानी का स्वभाव नहीं है, वो आत्मभाव नहीं है उसका। क्योंकि गर्म पानी ठंडा हुए बिना रहेगा नहीं, वो अपने आप ठंडा हो जाएगा, गर्म नहीं रह सकता क्योंकि रह नहीं सकता। देखो, ठंडा रहने में तो कितना भी टाइम रखो ठंडा रह सकता है, लेकिन गर्म पानी को नीचे उतारो गैस से तो गर्म रह नहीं सकेगा, क्योंकि गर्म रहना उसका स्वभाव नहीं है। ऐसे आत्मा का जो स्वभाव है वो राग द्वेष बिना का है, या करने धरने का आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है, सुख स्वभाव ही है और करने धरने का स्वभाव वाला नहीं है। तो ऐसे स्वभाव में तो अनंत काल तक रहेगा, लेकिन करने धरने के राग द्वेष के परिणाम में कर्तत्व भाव में वो नहीं रह सकेगा। करते 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 थक जाओगे, काम करते 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 थक जाओगे, अरे यहां तक कि सो जाके थक जाओगे। 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 24 घंटा सोओगे और कितना सोओगे? नहीं, थोड़ा अभी जरा उठ लूं,
हाथ पैर जरा वो ठीक कर दो, प्रवृत्ति चाहिए। क्यों? सोने में क्या हर्जा है, लेकिन सोने में भी थकता है। कोई भी प्रवृत्ति करना वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। कोई भी प्रवृत्ति नहीं करना मतलब करना नहीं करने से हट जाना और सहज रहना, वो आत्मा का स्वभाव है। तो जैसे जिस क्रिया से, जिस विचारणा से, जिस धर्म से, जिस सत्संग से, जिस वांछन से अगर हमारा आत्मा आत्मभाव को प्राप्त करता है और जानने देखने मात्र रहता है और करना धरना मिट जाता है, राग द्वेष मिट जाते हैं, वो सब क्रियाएं हैं, वो सब वांछन, वो विचार, वो सत्संग, वो सब धर्म के प्रकार हैं। अलग 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 धर्म के प्रकार हैं। और दूसरे गांव से सदगुरु के पास आना हुए सत्संग में, उसके लिए जितनी मेहनत की गई वो सब किसके प्रकार थे? संसार के प्रकार नहीं थे। वही व्यापार के लिए आओ तो संसार का प्रकार है कि चलो मार्केट में जाके आएंगे, खरीदी करके आएंगे और साथ में सत्संग भी करके आएंगे, तो व्यापार का, तो वो धर्म का प्रकार नहीं है। लेकिन मात्र सत्संग के लिए आना हुआ है ताकि हमारा आत्मा में कुछ समझन बढ़े और हमारा आत्मा मुक्त हो जाए, शांति को प्राप्त होवे, इसी भावना से अगर कोई सत्संग में आता है तो वो जो मन वचन कहा की क्रिया हुई उसके लिए जितना पैसा खर्च हुआ, जो विचार चले, सब है तो पुण्य भाव, लेकिन फिर भी उसको धर्म का नाम दिया है। क्योंकि धर्म की प्राप्ति के लिए किया है। ऐसे व्यापार के अंदर बहुत दौड़धाम करता है जीव, इधर जाता है उधर जाता है, परदेश भी जाता है, कितनी मेहनत करता है, किसके लिए करता है? पैसा कमाने के लिए। ऐसे आत्मा को शांति हो इसलिए जीव जो कुछ भी करता है वो सब धर्म के प्रकार है। जे जे प्रकार है, जिस जिस प्रकार से आत्मा आत्मभाव को प्राप्त होवे, ऐसी कोई भी गति विधि, विचारणा, चिंतन, मनन, सत्संग, शास्त्र वांचन, यात्रा, या यहाँ तक कि व्यापार करना, मैं इतने पैसा खर्चा किया तो उसका वो आत्मा लक्ष्य नहीं था। नहीं, मैं सत्संग के लिए इतना खर्चा करना पड़ा, मेरे गाड़ी वाड़ी, उसकी नजर पैसा कितना खर्चा हुआ उसका, वो धर्म नहीं, वो धर्म नहीं है। आत्मा के लिए सर्वार्पण है, आत्मा की शांति के लिए मैं जो कुछ बोला वो करने को तैयार हूँ, पूरा बलिदान देने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि मरने के लिए भी मैं तैयार हूँ, आत्मा को शांति मिलती है, ये प्रकार सही है। शांति के लिए पुस्तक खरीदा था, वो धर्म के प्रकार में चले गए। क्यों? उसके पीछे हेतु क्या था, अभिप्राय क्या था, ये बात एक छोटी सी लाइन में कर दी। यहाँ तक कि आत्मा के लिए व्यापार भी करे अगर आत्म शांति के लिए, वो भी धर्म का प्रकार है, वैसा भी हो सकता है। आत्मा के लिए व्यापार बोलते हो? व्यापार व्यापार वो आत्म शांति में खर्च करना है। जैसा अभी रमेश भाई आया थे पुणे से, उनको अगर एक ही जगह रहे तो 2,000 रुपये बस है उनको, उनको ना घर का किराया देना है क्योंकि दुकान में रहते हैं, बहन की दुकान है पीछे 10x10 में रहते हैं। अच्छा, खाने का एक टाइम खाने का है, वो तो बहन खिलाती है उसको, 500-1,000 महीने को ले रही है तो वो भी खत्म। बाकी रहे साबुन बाबुन कपड़े वगैरह जो भी है, कितना 1,000 रुपया बस, उतना तो बैठी इनकम है उनकी। 1,00,000 रुपये ब्याज पर रखे तो 2,000 रुपया तो उनको है ही, ठीक है ना। अब कमाने की क्या जरूरत है बताइए, दौड़दाम वो करते भी नहीं। और मेरे को यहाँ तक बोले कि मेरे घर पे ग्राहक आ जाते हैं, ये माल भेज देना, अगर मैं नहीं मिला, उनको कांटेक्ट नहीं हुआ, तो वो डायरेक्ट कंपनी को लिख देते हैं कि ये हमारा ऑर्डर है और रमेश भाई के खाते में इतना जमा कर देना, उनका कमीशन होता है। बोलो अब ये इसका मतलब क्या हो गया? वो कमीशन पूरा उनको आता है, बोले 5,000-6,000 रुपये और एक्स्ट्रा इनकम है मेरी। अब क्या करते हैं? पुणे में तो कहाँ रहते हैं, वो तो पूरा दुनिया भर आश्रमों में, हम्पी जाएंगे, सोनगढ़ जाएंगे, इडर जाएंगे, भवानिया जाएंगे, अभी ये 15 दिन के टूर पे निकले हैं। हाँ, वो भी अभी जो 4 जोड़ी कपड़े लेके गए ना, वापस पहुंचे तक उनके हाथ में वो भी नहीं रहेगा, एक छोटी सी थैली रहेगी बस, बाकी कुछ नहीं। फिर आप नया खरीद लेंगे, सब जहाँ जाएंगे वहां दे देंगे, लिखा लेंगे, दान लिखा लेंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे,
जहाँ लिखाने का जैसा है वहां जहाँ लिखाएंगे, नहीं लिखा सकते हैं संस्था में बहुत पैसा है तो बचा लेते हैं, तो फुकट घूमे खाने को भी वो मैं तैयार हूँ, क्योंकि वो संस्था को पैसे की जरूरत नहीं, वो तो उल्टा बोलते हैं यहाँ कोई आता नहीं आओ, तुम उल्टा जाकर के वहां पर हेल्प कर रहे हैं, तो वहां कोई पैसा दिखाने की जरूरत नहीं, वहां तो फुकट का खा के आने का, वो पैसा की जरूरत है वहां दे देना, ऐसा करके उनकी पूरा बताया मेरे को, बहुत अच्छा उनका सेटिंग हो गया, अब कमा रहे हैं उन्हों, बिजनेस थोड़ा बहुत साथ में कर रहे हैं, लेकिन कितना प्रकार क्या है उसका भाई, ट्रैवलिंग के लिए पैसा चाहिए, कहीं रहना है, दान लिखाना है, कुछ धर्मशाला में ऑटो के पैसा चाहिए ना, बस उसके लिए, एक जगह रहना है तो कोई जरूरत नहीं है किसी बात की, तो ये व्यापार किया है तो किस लिए किया है, ये कमाई की है तो किस लिए किए है, आत्मा को शांति मिले, आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति होवे, आत्मा राग द्वेष से मुक्त होवे, आत्मा परमात्मा बने, वो हेतु है इसके अंदर, इसलिए कहा जे जे प्रकार जिस जिस प्रकार से आत्मा आत्मा भाव को प्राप्त करे वो प्रकार धर्म के हैं, आत्मा जिस प्रकार से अन्य भाव को प्राप्त करे, अन्य भाव मने क्या, राग द्वेष बढ़े, अशांति बढ़े, करना धरना बढ़ जाए, धमाल बढ़ जाए, टेंशन बढ़ जाए, ऐसी कोई भी क्रिया वो करे, अन्य भाव को प्राप्त करे, वो प्रकार अन्य रूप है, धर्म रूप नहीं है, फिर वो दीक्षा लेवे तो भी धर्म नहीं है, क्योंकि दान दिया तो धर्म नहीं है, क्यों, दान दिया तो तख्ती लगाना है, तो उसमें तख्ती लगाने के पीछे कौन सा भाव है, मान का भाव, देखो धर्म की क्रिया है दान देना, तीर्थ यात्रा करना, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, संपत्ति बनना, सबको यात्रा कराना, यात्राओं को हेल्प करना, साधर्मी को हेल्प करना, ताकि हम मुमुक्षु मंडल में हम भी है ऐसा दिखा हो, उसमें आत्मभाव नहीं है, बदले में कुछ चाहना है, इसके पीछे दूसरा हेतु है, आत्मशांति का हेतु नहीं है, मैं उपवास करूंगा तो कर्म की निजरा होगी, ऐसा किसी ने कह दिया तो उपवास करे, जाप जपने से ऐसा होगा तो किसी ने कह दिया तो मान ले, कहने वाला सत्य बोलता है कि नहीं बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उल्टी पट्टी पढ़ाता है, और उपवास करने से शांति कर्मों की निजरा होती है, तो इतनी हमको शांति मिलती है कि नहीं मिलती है, उपवास करने से क्या आकुलता होती है, और तपास करना आता नहीं, तो जो जो मन वचन काया की प्रवृत्ति करे, जिससे अशांति बढ़े, जिससे टेंशन बढ़ जाए, करना धरना रहे, जानना जानना नहीं रहे, राग द्वेष बढ़े, वो सब प्रकार काय के हैं, संसार में रखड़ने के हैं, धर्म के प्रकार नहीं है, वो सीधा नियम है, सनातन नियम बता दिया कृपा दो लाइन के अंदर, जिस जिस प्रकार से आत्मा आत्मभाव को प्राप्त करे, शांति को प्राप्त करे, वितरागता को प्राप्त करे, वो सब प्रकार किसके हैं, धर्म के, और जिस जिस प्रकार से अन्य भाव को प्राप्त करे, वो प्रकार अन्य रूप है, धर्म रूप नहीं है, वो संसार को बढ़ाने का है, इसमें शांति अंश मात्र भी नहीं, चाहे उपवास करे, चाहे दिगंबर साधु बन जाए, पंचमावत पाले, 28 मुकुंद पाले, पूरा जो करना है करे, लेकिन शांति मिलने वाला नहीं, क्योंकि अंदर में हेतु दूसरा पड़ा है, कर्म को हटाना है, शांति प्राप्त करने का हेतु नहीं है, कर्म को हटाना एक भाव है और शांति प्राप्त करना दूसरा भाव है, कर्म की निजरा करना वो ठीक नहीं है बात, आप आत्मशांति में रहोगे तो कर्म की निजरा तो अपने आप हो जाएगी, लेकिन जिसको कर्म की निजरा करना है, कर्म हमारा दुश्मन है, उसको हटाओ, उसके लिए कुछ भी क्रिया करो, जाप जपो, मंत्र दो, जाप मंदिर जाओ, ये करो वो करो, धमाल करो उसके लिए, हटाने के लिए, ऐसे तो कोई कर्म हटते नहीं है, थोड़े हटेंगे तो नए और आ जाएंगे, उनका मतलब नहीं है कुछ, वो प्रकार धर्म के नहीं है, कर्म को हटाने के लिए, अशांति को हटाने के लिए, प्रतिकूलता को हटाने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए, टेंशन को हटाने के लिए, जो कुछ भी किया गया हो गया नहीं, किया गया, जो कुछ भी कार्य किया गया, जो कुछ भी प्रवृत्ति की गई,
और उसमें दूसरे का आधार लिया गया, वो सब कार्य कैसे हैं? अधर्म के हैं, संसार के हैं, अंश मात्र भी शांति होने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो। यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाग लयो, वनवास लियो मुख मौन रहो, तड आसन पद्म लगाए लियो। तप भेद जपे तप त्यों ही तपे, उरसे ही उदासी लई सब पे, सब शास्त्रन के नए धारी हिये, मत मंदन खंडन भेद लिये। वो साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु बात न पाई। ये सब करना धरना बेकार हो गया। ये बात बता रहे हैं इधर कि जिस प्रकार की जो प्रकार की प्रवृत्ति करने से आत्मा को वितरागता नहीं होती है, राग द्वेष बढ़ते हैं, ज्ञाता भाव नहीं होता है, कर्तत्व भाव रहता है, करूं 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 रहता है, या नहीं करूं नहीं करूं नहीं करूं ऐसा रहता है। धर्म का भी आ गया। हाँ, पूरा 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 आ गया। तो अशांति है, समझ नहीं। देखो, लेट के करूं कि बैठ के करूं, ये करने वाली बात आ गई। न लेट के करना बुरा है, न बैठ के करना बुरा है। लेटना हो या बैठना हो, अपने को काम क्या करना है? जागृति का। नहीं, मुझे जागृति बैठ के ही करना है कि लेट के ही करना है, वो गलत मामला होगा। सो के नहीं करना है, बैठ के ही करना है, वो हटाग्रह हो गया एक प्रकार। तो करते तो जागृति के लिए करते हैं, लेकिन अशांति बढ़ रही है तो हमारी कहीं गड़बड़ है। सब सब में ले लो आप, सब में, जिससे अशांति बढ़े, जिससे विकल्प बढ़े, जिससे राग द्वेष बढ़े, जिससे टेंशन बढ़े, करना धरना बढ़ जाए, आग्रह बढ़े, ऐसा प्रकार भले धर्म के लिए किया गया हो तो भी अधर्म है। शांति नहीं मिलती है उससे, अशांति बढ़ जाती है, उल्टी जीव परेशानी में आ जाता है। या मैं कौन से स्टेज में हूँ, इस स्टेज में हूँ कि उस स्टेज में हूँ, नहीं मुमुक्षु हूँ कि वेद ज्ञान के लायक हूँ, कि अवलोकन बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि वो ठीक चल रहा है कि नहीं, कहीं गलती तो नहीं हो रही है ना। ये सब चक्कर चक्कर जो चलते हैं ना, बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। ये अधर्म है, चक्कर लगाना अधर्म है। आप बोल दो तो मेरे ऐसे ऐसे परिणाम है, आप डाउट रखने की क्या जरूरत है, इतना टेंशन आप क्यों करते हो? जब आपको रास्ता दिखाने वाले कोई साथीदार है तो आप क्यों इतना टेंशन लेते हो? वो जहां जाते हैं वहां चले जाओ आप चुपचाप, पीछे पीछे वो खुद ब खुद टेंशन में आ जाते हैं, सही हूं कि नहीं हूं, गलत तो नहीं हूं ना, ऐसा तो नहीं हूं ना, विराधना तो नहीं हो रही ना, ऐसा तो नहीं हो रहा है, उथल पाथल चल रही है, कहां जाना, कैसे करना, क्या करना, समझ में नहीं आ रहा है। भाई तुम्हारा जो परिणाम है कि मैं ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर रहा हूं, ऐसे ऐसे मेरे को भाव आ रहे हैं, बता दो, खुद ही बोल देंगे। आती है, वही तो बोल रहा हूँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ। तो आप क्या करना, सीधा सीधा रास्ता क्या है कि आप बता दो भाई मेरे ऐसे ऐसे परिणाम चलते हैं, अब सही है कि गलत है वो आप जाने, मेरा काम था बता देना, क्योंकि मेरे को विश्वास है कि गलत होगा तो आप खुद ही बोल दोगे कि गलत है। नहीं, वो गलत है, वो जबरदस्ती हो गई, क्या करना है वो जान के क्या करना है कि हम सही हैं। वो उसमें भी दूसरा प्रॉब्लम हो गया वापिस, उसके पीछे आत्मभाव नहीं है कि अगर वो बोल दे ठीक है तो फिर हम आराम से सो जाए चैन करके, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए इसके पीछे। सही है, जान के क्या करोगे बताइए, और गलत होंगे तो खुद ही बोल देंगे भाई ऐसा नहीं ऐसा करना, ऐसा नहीं ऐसा करना, और सही है बल्कि नहीं बोलते हैं तो समझ जाने की बात है कि भाई हमको कुछ बोला नहीं है, चलने दो गाड़ी जैसे चलती है वैसे, उसमें सही गलत का क्या बात है। सही कब होगा? जब आत्मा का अनुभूति होगी तब सही है। इसके पहले तो किसकी गाड़ी कब उतरेगी पतरी से नीचे, वो क्या पता है। सही बोलने का मतलब है, सही बोल दिए कल के दिन परिणाम बिगड़ गए, वापिस ठीक नहीं है बोले तो फिर तकलीफ होती है। पहले तो आप बोलते सही है, अभी क्या है इसमें, हर एक में फंसाना किसको, गला किसका दबाना, क्यों ऐसा? आप तो थोड़े दिन बोले सही है तो मैंने ऐसा किया, जब सही था अभी वो गलती हो गई, दूसरा दुर्गुण आ गए, क्या करोगे? आदमी देखो ट्रीटमेंट कराया तो अच्छा तो हो गया, डॉक्टर बोला आप 2-4 दिन में रजा दे देंगे, बस ठीक लग रहा है, तब अभी आईसीसी में रहने की जरूरत नहीं है, आईसीसी से थोड़े दिन में बाहर भी निकालते हैं, जनरल वार्ड में लेके आते हैं, 2-4 दिन रहो फिर चले जाना,
चलो घर पे भी लेके आए, क्या गारंटी घर पे नहीं बिगड़ेगी आप इस तबीयत, क्या गारंटी है कुछ? तब निकले तब बराबर थे तो सर्टिफिकेट डिस्चार्ज कर दिए, चलो घर पे थोड़ा दिन आराम करना, बेड रेस्ट लेना, फिर वहां फिर बिगड़ जाए उसका जिम्मेदार डॉक्टर थोड़ा है, उस टाइम में बराबर था डिस्चार्ज कर दिया। देखो इसलिए बहुत संभालना पड़ता है इसके अंदर, और अपने को विकल्प नहीं बढ़े इसीलिए हमको क्या करना, अपने परिणाम बता रहे ऐसा ऐसा हो रहा है, अब बोल देंगे खुद ही क्या करना, अब ऐसा कर देना, खत्म हो गई बात, फिर वो गलती हो रही वो हो रही नहीं, जो बोल दिया वो कर देना, ये बात आगे कहेंगे उन्होंने इसी पत्र, छोटा सा पत्र है लेकिन बहुत बढ़िया है। जिस जिस प्रकार से आत्मा आत्मभाव प्राप्त करे वो प्रकार धर्म के है, शांति मिले वो प्रकार धर्म का है, और आत्मा जिस प्रकार से अन्य भाव को प्राप्त होवे, अशांति को प्राप्त होवे, राग द्वेष बढ़े, करना धरना बढ़े, टेंशन बढ़े, वो प्रकार अन्य रूपे भले वो धर्म के क्षेत्र में गया हो, दान दिया हो, पूजा की हो, भक्ति की हो, लेकिन अशांति बढ़ रही है, धर्म रूप नहीं है वो, अधर्म है, संसार के खाते में गया। तमे हाल जे निष्ठा वचन ना श्रवण पछी अंगीकृत करी छे ते निष्ठा श्रेय जोग छे। कोई नया मुमुक्षु लग रहा है क्या? आपने मेरे वचन सुने और सुनने के बाद जो आपको आत्म भावना जगी है और जो बल प्रकट हुआ है और आत्म कल्याण करना ही है ऐसी जो भावना आपको दिल में उत्पन्न हुई है, और अगर भावना पहले से थी तो और मजबूत हुई है, अब तो कर ही लेना है ऐसा आपको दृढ़ विश्वास दृढ़ निर्णय किया है तो इसमें आपका कल्याण हो सकता है, श्रेय योग है, ये आपके कल्याण का कारण है। दृढ़ मुमुक्षु को सत्संग से, वो जो अपना जो दृढ़ता है, जो नक्की किया है, निर्णय लिया है, निष्ठा, वो अनुक्रम से बढ़ती रहती है, वर्धमान होती है। अगर कोई दृढ़ मुमुक्षु है, संसार से छूटने की भावना वाला, दृढ़ता से वो अपना कदम डालता है उसमें, और तो वो जो निष्ठा रखी है कि मुझे आत्म कल्याण करना ही, ऐसा जो निर्णय किया है, वो निर्णय अगर ये वो सत्संग करेगा ऊपर से तो बढ़ेगा निर्णय, और मजबूत होगा, और मजबूत होगा, जितना जितना सत्संग करेगा और मजबूत होगा, और ऐसा करते करते वो निर्णय शक्ति बढ़ते बढ़ते फिर वापिस ऐसा एक सेकंड भी देखेगा नहीं पीछे मुड़ के संसार की तरफ, और बढ़ते बढ़ते क्या होगा, आत्मस्थिति रूप हो जाएगा, आत्म कल्याण करने की भावना और इससे दृढ़ता होवे, और वो ही दृढ़ता वाला जीव, आत्म कल्याण की भावना वाला जीव दृढ़ता से अगर वो सत्संग करे ऊपर से, एक तो भावना वाला तो है ही, ऊपर से सत्संग करे तो क्या होगा, तो उसका जो निश्चय है और बलवान होगा, और थोड़ी कमियां हैं, थोड़ा कहीं कहीं और मोह रह जाता है किधर किधर, वो मोह छूटता है और दृढ़ता आती है, और ऐसी दृढ़ता आने से क्या होता है कि वो जीव का जो उपयोग है ज्ञान का, वो आत्मा में स्थिर हो जाता है, आत्मस्थिति रूप हो जाता है। जब बाहर भटकता है अनंत काल से, करूं धरूं, अच्छा बुरा ऐसा जो करता है, उसके बदले क्या हो जाएगा, ज्ञाता भाव में रह जाएगा, जानना मात्र, अब करना धरना नहीं है, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा करके उसका ज्ञान का उपयोग कहाँ जाएगा, बाद में कुछ अच्छा नहीं है न बुरा है, हमारा उपयोग क्यों बाहर जाता है बार बार, या तो कोई नुकसान हो रहा है ऐसा लगे तो बाहर जावे उपयोग बचाने के लिए, या फायदा हो रहा है तो वो लेने के लिए बाहर जावे। देखो हमारा ज्ञान का उपयोग बाहर क्यों जाता है, दुकान की याद क्यों आती है, टाइम हुआ है जल्दी जाए, ग्राहक आएगा कमाई होगी तो फायदा होगा ना, इसलिए उपयोग कहाँ गया, दुकान। और बीमारी आने वाली है, कुछ तकलीफ होने वाली है, रिटर्न भरने का टाइम आ गया है, नहीं भरेंगे तो नुकसान हो जाएगा, टाइम पे भर देना है तो भी उपयोग बढ़ जाता है, नुकसान को बचाने के लिए एक बात, और फायदे को लेने के लिए ये जीव क्या करता है, इसका जो उपयोग है वो बाहर भटकाता है।
तो अंदर आत्मा भाव में नहीं आता है, और जो प्रवृत्ति करता है या नहीं करता है या करता है जो भी, वो सब किसके लिए होता है? संसार बढ़ाने के लिए होता है। बाहर में लाभ नुकसान माना है तो उसका उपयोग बाहर जाएगा, तो लाभ लेने के लिए भी उपयोग बाहर जाएगा या नुकसान बचाने के लिए भी उपयोग बाहर जाएगा। दोनों के बीच में रहना है तो अंदर है। हाँ, तो अंदर और कई जगह नहीं, और ऐसा कोई भाव नहीं है समझो, बाहर से ना लाभ है ना नुकसान है, ना अच्छा है ना बुरा है, ना करना है ना धरना है, ठीक है, तो फिर इसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? और सत्संग में क्या सिखाया जाता है? यही सिखाया जाता है कैसे कोई भी प्रवृत्ति आप मत करो जिससे आपका धरना धरना रुक जाए और राग द्वेष बढ़े, टेंशन बढ़े, ऐसी कोई प्रवृत्ति मत करो, क्योंकि इससे आत्मा को नुकसान होगा, जीव को बहुत बड़ा नुकसान होता है। जितना करना धरना, ये करूं वो करूं ऐसे करूं वैसे करूं, ये होवे तो अच्छा, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, गड़बड़ है, इसमें जीव को बहुत अशांति होती है। सत्संग में आने से आपको ये सिखाया जाता है, तो एक तो आत्म कल्याण की भावना वाला जीव हो, शांति की चाहना वाला हो, और ऊपर से ऐसा सत्संग मिले जिसे करना धरना नहीं, त्याग भी करने का नहीं बोले, नहीं तुम वो मिष्ठान मत खाओ, छास रोटी खाओ, ऐसा भी बोलने को नहीं हो, क्योंकि आत्मा खा सकता नहीं है ना मिठान मिष्ठान खा सकता है ना छास रोटी खा सकता है। आत्मा तो सिर्फ जानता है, मिष्ठान को भी जानता है और छास रोटी को भी जानता है, वो छोड़ के ही खाओ, खाऊ वाली बात तो कहाँ से होती है, वो तो आत्मा का लक्षण ही नहीं है, खा सकता ही नहीं, ये मत खा वो खा, अरे उपवास करने को बोले तो भी गलती है, ये तो डाइवर्ट करते हैं कि भाई रस वाली रस बढ़े ऐसी चीज नहीं खाना, रस नहीं बढ़े ऐसी चीज खाना, इसके बदले ऐसा बोले कि तुम खाते क्यों उपवास करो, इससे तुमको आत्मा मिल जाएगी तो भी गलत है, छास रोटी खाओ तो आत्मा मिल जाएगी वो गलत, थोड़ा दिन नहीं आएगा बाद में आ जाएगा और बाद में वही अच्छा लगेगा। देखो करने धरने वाली बात कहाँ है इस मार्ग में, महावीर के मार्ग में तो करने धरने वाली बात नहीं, सनातन वितराग धर्म है। कैसी सिचुएशन आ गई आप जो कर रहे हो धरने की बात जो नहीं ऐसा रहे तो अपने आप जो आत्मार्थी रहता धरने को ऐसा करने से महावीर भगवान ऐसा बैठे तो हम भी ऐसा करके देखेंगे, वो तो नकल हुई ना, वो तो असल नहीं है ना, अगर हमारी भावना प्रबल रही तो, भावना प्रबल रही तो भी जो तरीका होगा वो तरीके से करोगे ना। देखो भावना प्रबल है, आपको दिल्ली जाना है लेकिन रास्ता नहीं मालूम है, क्या करोगे? एक बात बोल रहा हूँ, जब दिल्ली जाने की भावना हुई और आपको रास्ता नहीं मालूम है तो क्या करो, कहीं भी चले जाओगे, जो भी ठिकाना आया, जो भी मोटर मिली, जो भी गाड़ी मिली, बैठ जाओगे, जानना पड़ेगा ना आपको, तो भावना है तो जानना पड़ेगा, तो भावना है तो पहले जानो कि कैसे भावना को सफल करना, ऐसे कौन है, ऐसे पुरुष कौन है कि जिसने अपनी भावना सफल की है, जो मेरे से आगे लाइन में है, उसकी गाइडलाइन लो ना। आप मकान बनाते हो तो खुद ही बनाते हो, चप्पल सीने का तो खुद ही सी लेते हो, देखो क्यों, वो हर एक बात में आप खुद नहीं करते हो, जो उसका एक्सपर्ट होते हैं उसके पास जाते हो, फिर आपको भावना है शांति की तो जिसको शांति मिली है ऐसे पुरुष की खोज क्यों नहीं करते हो और उसकी गाइडलाइन क्यों नहीं लेते हो और आंख बंद करके जैसा अपने दिल में आता है वैसा काम क्यों करते हो? अगर ऐसा मनमानी करते हो तो इसका मतलब ये हो गया साफ सीधा कि आपकी भावना झूठी है, सच्ची भावना होती तो आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि इसमें कितना टाइम लग जाएगा क्या पता, अपने आप दिल्ली ढूंढने जाओगे और जो भी आए ट्रेन में बैठ जाओगे, जो भी आया बस में बैठ जाओगे, तो कब पहुंचोगे, क्या होगा, कहीं भटकोगे कि नहीं भटकोगे, क्या पता कब पहुंचोगे, न जाने कितनी मेहनत लगेगी, ये तरीका थोड़ा है, काम करने का एक तरीका होता है कि नहीं होता है, कि बाजार में गए जो होगा देखा जाएगा, जो मीना लेके आएंगे, ऐसा करते हो कि पहले नखी करते हो कि बाजार में जाने का है तो मेरे को ये आइटम लेना है, और जाते हो तो लिस्ट बनाते हो, अगर भूल जाते हो तो भाई आज पाव भाजी बनाना है तो पाव भाजी का मसाला होना, पाव होना, मक्खन का एक पैकेट होना जो घर में नहीं है, वो लेके आना का नहीं, देख लेंगे बाद में, वो गया हो दुकान पे जो मिला हो लेके आया, इसमें कोई भी चीज भूल गया तो वापिस क्या दोबारा जाना है, ऐसा बेकार मेहनत करना है, क्या करना है? भावना वाला जीव तो कभी भी गड़बड़ नहीं करता है, ये क्या है, भावना नहीं है इसलिए गड़बड़ होती है, आत्मा की सच्ची भावना नहीं है, आत्मा कल्याण की शांति के लिए सच्ची भावना नहीं होने से गड़बड़ करता है,
डिसीजन लेना पड़ेगा ना। तो भावना वाले जीव को क्या करना, ऐसी स्थिति में क्या करना है कि जिसको रास्ता मिल चुका है, जिसको शांति मिली है, जो जानता है इस रास्ते को, उसको पूछ लेना। और रास्ता कितना सुंदर है मैं बताऊं, क्या पहला स्टेप है अवलोकन। वो अवलोकन शुरू करते ही जीव को पता चलता है कि रास्ता सही है कि गलत है। ऐसा नहीं है कि आप अवलोकन करो, बाद में वेद ज्ञान करो, बाद में आत्मा मिले तब आप हाँ बोलो कि रास्ता सही है कि गलत है। जब पूरी मेहनत तो कर लो और आखिरी में पता मिल, एडवांस भेज दो, ड्राफ्ट भेज दो, सब भेज दो, बाद में माल मिले वो भी कब मिले क्या मालूम, कहीं ट्रांसपोर्ट में खो जाए या पोस्टमैन खा जाए या कोई कोरियर वाला आगे पीछे कर ले वे, ऐसा कोई मार्ग नहीं है। आप जितना जितना अपना मेहनत करते हो उतना उतना आपको जब का जब ही शांति मिलती है। आपको अवलोकन स्टार्ट करते ही आपको मालूम पड़ जाता है कि अरे तो बहुत बढ़िया मार्ग है। देखो तो विश्वास आने में कितनी देर लगे, कोई इतने शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, इतनी माला फेरनी पड़ेगी, फिर मालूम पड़ेगा कि कर्म कटे कि नहीं कटे। बढ़िया बात कहते हैं, मैं असल में ये तीन लाइन आगे की पढ़ने के लिए ही पत्र लिया। वही बात कहते हैं कि अपने आप नहीं करना, जीव धर्म पोतानी कल्पना वड़े अथवा कल्पना प्राप्त अन्य पुरुष वड़े, श्रवण करवा योग, मनन करवा जोग, ये आराधा जोग नहीं। इस जीव को अगर धर्म करना है तो स्वयं अपनी कल्पना से करे, उल्टा सीधा जो दिल में आया वैसा, या जो मनमानी करता है, जिसको अंदर में धर्म प्राप्ति नहीं हुई है लेकिन सीट पे बैठ गया है, 8-10 लोग मिल गए हैं मूर्खों की टोली, क्या वो उसको गुरु मानते हैं, वो सीट पे बैठ गया खुद को पता नहीं है और बोल देवे ऐसा करो भैया आप, ऐसा करो भैया आप, ऐसा करो, तो खुद कल्पना में है जिसको प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे पुरुष से या अपनी मनमानी करने से अगर जीव को धर्म करना है तो अपनी मनमानी छोड़ना पड़ेगा। और जिसकी सलाह लेता है वो तो कल्पना वाला नहीं होना चाहिए, उसको मिला मिल चुका ऐसा होना चाहिए, आत्मज्ञान हो चुका ऐसा होना चाहिए, वो तो कल्पना में नहीं खड़ा रहना चाहिए। तो जीव को अगर धर्म करना है तो स्वयं की कल्पना से या कल्पना प्राप्त अन्य पुरुष के द्वारा, सदगुरु हो, गुरु हो, साधक हो, अन्य मुमुक्षु हो, जो खुद भटक रहा हो, उसकी बातों से सुनना, मतलब उसकी बातों को सुनना, श्रवण करने योग्य उसकी बातों को सुनना, उस पे मनन चिंतन करना और उसकी आराधना करना उनकी बातों का, या अपनी मर्जी के अनुसार आराधना करना, या फिर दूसरे को जो गुरु है ऐसे गुरु या ऐसे मुमुक्षु या ऐसे साधक जिसको खुद को नहीं मालूम है। जैसे हम बैठते हैं कि भाई ये गाड़ी बम्बई जा रही है क्या, हमको नहीं पता क्या, आप कहीं भी भूले भूले बटाते हो तो दुकानदार को वहां के पूछते हो कि ये बिल्डिंग कहाँ आई, हमको नहीं पता, तो आपको क्या लगेगा यहाँ रहता है पता नहीं, दोबारा पूछने जाओगे उसको, नहीं जाओगे। ऐसा 3-4 दिनों को रास्ते में जाने वाले पुरुष को पूछो भाई आप वहां से ही आ रहे हो तो इतना एरिया तक तो आ गए हूँ लेकिन बिल्डिंग कहाँ है या मेरे को नहीं मालूम। ऐसा करो आप पहले ऐसा बोल दे कि मेरे को नहीं मालूम, फिर बोले एक काम करो आप यहाँ जाओ, तभी जाओगे आप, पहले तो ऐसा ही बोल देवे कि मेरे को नहीं मालूम, फिर वो बोले कि एक काम करो आप इधर चले जाओ, तो फिर क्या होगा, आप जाओगे क्या, आप जब तक दूसरे को नहीं पूछोगे तब तक नहीं आगे बढ़ोगे। लेकिन बहुत तकलीफ की बात क्या है कि जो कुगुरु होते हैं वो अपने को गुरु की सीट पर रखना चाहते हैं, वो इतने साफ सुथरे नहीं है, ईमानदार नहीं है कि वो बोले कि हमको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। बहुत शास्त्र पढ़े हैं तो शास्त्रों के आधार से अपने को ज्ञानी मान लेते हैं, शास्त्र लिखे हैं वो तो ज्ञानी है क्या, ज्ञानी पुरुष शास्त्र लिखे हैं उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ लिए और बराबर माइंड में बिठा दिए, कुछ समझाने का तरीका आ गया है, उल्लू बनाने का, समझाने का नहीं क्या, उल्लू बनाने का। तो लोग आते हैं और उसको अपने अंदर से नहीं बोलते हैं, उनका वचन से बोलते हैं क्या, तो लोग बोलते हो कितना ज्ञान है, पकड़ लो फिर
ऐसे 8-10 जने पैर पकड़ लेते हैं तो फिर वो उसको मुश्किल हो जाता है इसको। अब मैं बोलूंगा कि मेरे को नहीं आता, तकलीफ हो जाएगी, इसलिए अब वो रोंग को बना के रखो भैया, मेरे को आता है, मेरे को आता है। आप श्रद्धा रखो हो जाएगा, आप श्रद्धा रखो हो जाएगा। और फिर भी कोई जबरदस्ती करता है तो आप ऐसा कर देना, आप ऐसा कर देना, आप अब एक काम करो, क्या खाते हो, मिष्ठान नहीं खाना, आज से छाछ रोटी खाना। उसको किसको कौन सी दवा दे, किसको कौन सी दवा दे, वो कर्ण धरने की दवा होती है, वो कर्ण धरने की दवा देती है, तो दूसरी दूसरी बातें ज्ञानियों की लाके डाल देता है और खुद थोड़ा मिलावट करके अपनी डाल देता है। लोगों को पता नहीं चलता है, क्योंकि लोगों को पता इसलिए नहीं चलता है कि उनको आत्मा की भावना नहीं है। अगर आत्मा की भावना होती तो पता चल जाता, लेकिन आत्मा की सच्ची भावना नहीं होने से ज्ञानियों की बात में अपनी बात मिला करके जो बोलता है तो अपने आत्मा को ठग रहा है, अपने को उल्टे रास्ते पे ले जा रहा है, वो पता नहीं चलता है। फिर उनकी बातों को सुनता है, उनकी बातों को रट लेता है, उनके ऊपर ही चिंता मनन करता है और वो जैसा बोलता है ऐसी आराधना करते हैं। कृपावड़ियों ने साफ मना किया है यहाँ पर, जीव को अगर धर्म करना है, मतलब आत्मा में लीन होना है, शांति चाहिए, राग द्वेष नहीं चाहिए, तो क्या करना, नंबर वन अपनी कल्पना से नहीं चलना, एक बात, खुद डिसीजन नहीं लेना। दूसरा, जिसको आत्मज्ञान नहीं है, ऐसे जो खुद कल्पना में खड़ा है, जिसको खुद को रास्ता नहीं मालूम है, जो ज्ञानियों के वचन को पढ़ करके नकल करता है, याद करके बोलता है, थोड़ा खुद का अपना मिला लेता है, ऐसे जो कल्पना प्राप्त अन्य पुरुष है, उसकी वाणी नहीं सुनना, उसके ऊपर चिंतन मनन नहीं करना, और वो कहता है ऐसी आराधना नहीं करना। गुजराती में पढ़े तो एक लाइन में, जीवे धर्म पोतानी कल्पना वड़े, अथवा कल्पना प्राप्त अन्य पुरुष वड़े, श्रवण करवा योग्य नथी, मनन करवा योग्य नथी, के आराधवा योग। अगर धर्म करना है तो शांति चाहिए, तो धर्म करना माने क्या, शांति प्राप्त करना है, जन्म मन से छूटना हो तो, अशांति से बचना हो तो, दुख से बचना हो तो क्या करना, कि अपनी कल्पना से नहीं चलना, अथवा जिसको मालूम नहीं है उनकी बातें न सुनना, न उनकी बातों का मनन करना, न वो कहे ऐसी आराधना करना। मात्र आत्मस्थिति जिसकी है, जो अपने आत्मा को जानते हैं, जो वितराग भाव की वृद्धि करते रहते हैं, वितराग भाव का ही उपदेश देते हैं, करने धरने की बात नहीं करते हैं, सिर्फ जानने जानने की ही बात करते हैं। मात्र आत्मस्थिति है जिसकी, ऐसे सत्पुरुष से ही आत्मा या आत्मा का धर्म श्रवण करने योग्य है, अर्थात आराधना करने योग्य है। देखो धर्म करने में ही बहुत मुश्किल है, थके जाओगे, नहीं तो थकने वाली दुकान बहुत है। महावीर के नाम पे कितनी दुकान चलती है, एक कृपावड्यो के नाम पे कितने आश्रम चलते हैं, सब झगड़ते हैं आपस आपस। एक गुरुदेव के नाम पे कितनी दुकानें चलती है आपको नहीं पता है, क्योंकि आप उनकी बातें ही पहली बार सुनते हो करीब करीब, आपको नहीं पता है कि यही गुरुदेव के नाम पे कितना धमाल होती है। सोनगढ़ वाले ने, एपुर वाले ने कितना कितना, वो तो हम ही जानते हैं क्योंकि पढ़े हैं इसमें। तो ऐसे कृपा वाले रमेश भाई बोल रहे थे कि हम जहां भी जाते हैं हम्पी वाले बोलते हैं जय भगवान, जय प्रभु, वो आकाश वाले जय गुरुदेव, सॉरी हम्पी वाले जय गुरुदेव बोलना, और दूसरे जो जय भगवान बोलना, दूसरे बोलना जय प्रभु। मेरे को बता रहे थे कि श्रीमद जो श्रीमद के जो सुनाचंद्र जी के जो आश्रम है, अलग अलग सबका अलग अलग हिसाब किताब है। अगर वो आप भी श्रीमद भगवान आचंद्र को मानते हो, मैं भी मानता हूँ, लेकिन आप जय प्रभु बोलते हो और मैं जय भगवान बोलूँ तो गड़बड़, तो एक दूसरे के दुश्मन है, समझ लेना स्थिति है आजकल। वही कृपावड़देव है, कृपावड़े दोनों के एक, दोनों के गुरु एक, दोनों को मानने वाले एक, लेकिन वो बोलता है जय प्रभु और आप बोलते हो जय गुरुदेव, तो खलास मर गए। क्या है पता नहीं गुरु कहाँ बैठे हैं। बता रहे थे तीन हम्पी जाते हैं तो जय गुरुदेव बोलना पड़ता है, तो हम तो क्या करते हैं भैया, जहाँ रहना है वहां उनकी भाषा में बात कर लेते हैं, भैया हाँ ठीक है जय गुरुदेव भैया, हम फिर अपना जय प्रभु छोड़ देते हैं, जय भगवान भी छोड़ देते हैं,
वहां उनके ऐसा बन जाते हैं, फिर वहां जाते हैं तो जय प्रभु बोल लेते हैं, और वहां जाते हैं तो जय भगवान बोल लेते हैं, क्या करें, हम तो भटकते मुसाफिर हैं। और जहां भी अपना फायदा देख लेते हैं, अपने को कहीं भी आइटम मिलती है सुनने की, क्योंकि हमको अभी सत्य नहीं मिला है तो हम ढूंढते रहते हैं, तो जहां भी मिला हो सकता है कि उसके गरीब आदमी के पास भी हमको सत्य सुनने को मिल जाए, हम तो उसको ही भगवान बोल के बुलाते हैं, उनको ही पैर पकड़ लेते हैं, भैया झुक के रहते हैं और दो बातें मीठी करते हैं उसकी, अगर उसके पास कोई ज्ञान होता है तो दे देते, हम ले लेते हैं, किसी के दोस्त देखते नहीं है। ये रमेश भाई की कहानी बहुत अच्छा लगा मेरे को। उनका तो बोलने में नुकसान नहीं है, जो बुलाने वाला का नुकसान है, बोलने वाले का क्या नुकसान है? वो बात ठीक है, लेकिन वो अपना तरीका बता रहे थे क्या, और अपने बात ये चल रही है कि एक ही गुरु को मानने वाले शिष्य में कितना गड़बड़ है, क्या बताएं, आप थके जाओगे धर्म के नाम पे भी थके जाओगे, अगर आप सच्ची आत्म भावना वाले नहीं होगे तो आप गुरु को भी नहीं पहचान पाओगे, और फिर उल्टे गुरु को मान लेंगे, अपनी मनमानी कल्पना से करने जाओगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे और कुछ नहीं, कार्य करोगे शांति के लिए और शांति तो मिलेगी नहीं, उल्टी अशांति बढ़ जाएगी, ये परेशानी हो जाएगी बहुत बड़ी, बहुत दुकान खुली है, जगह जगह पे दुकान है, कहीं मालूम नहीं है कि कौन कैसे रास्ते पे जाना, इनकी बात मानना कि इनकी बात मानना, यहाँ तो 5-10 लोग आते हैं, वहां तो लाखों लोग आते हैं, वहां हजारों लोग आते हैं, वहां इतनी भीड़ होती है, और भीड़ को देखोगे तो फंस जाओगे कि यहाँ ज्यादा लोग आते हैं इसलिए ज्यादा अच्छा बातें होंगी, नहीं होता है, अंदर से नक्की करना पड़ेगा आपको, ये जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है, इसलिए कह दिया कि जिस जिस प्रकार से कैसे नक्की करना वो प्रकार बता दिया, कि अगर आपको आत्मा को शांति होती है, आत्म कल्याण की भावना बढ़ती है, करना धरना मिटता है, विकल्प शांत होते हैं, अशांति कम होती है, अगर ऐसा कहीं है समझ लो आप धर्म कर रहे हो, सच्चे मार्ग पे हो, अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लो कि आप धर्म के नाम पे आप अधर्म कर रहे हो, खुद को पता चल जाता है आसानी से, शांति जो चाहने वाले जीव को पता चले, बता दिया है पहले ही बता दिया तरीका, जिस जिस प्रकार से आत्मा आत्म भाव को प्राप्त करे वो प्रकार धर्म के हैं, और जिस जिस प्रकार से आत्मा अन्य भाव को प्राप्त करे वो प्रकार अन्य रूप है, संसार रूप है, धर्म रूप नहीं है, ये ताला मिला लेना क्या हो रहा है अपने अंदर में, आप जो निष्ठा वचन के सुनने के बाद अंगीकृत कर ली है, आपने आत्म कल्याण का ध्येय बना लिया है, वो ध्येय रखना आपके कल्याण के बारे में है, आपका कल्याण हो सकता है, दृढ़ मुमुक्षु को सत्संग से वो ध्येय निष्ठा वो अनुक्रम से बढ़ के वर्धमान होकर के आखिर में आत्मस्थिति रूप हो जाती है, जीव को धर्म अपनी कल्पना से या कल्पना प्राप्त अन्य पुरुष के द्वारा श्रवण करने योग्य नहीं है, धर्म की बात संसार की बात तो सुनना ही नहीं है, लेकिन धर्म की बात भी जिसको धर्म नहीं मिला है, जिसको शांति नहीं हुई है, उसके मुख से सुनने योग्य नहीं है, मनन करने योग्य नहीं है और आराधना करने योग्य नहीं है, धर्म करना है तो सिर्फ जिसको आत्मस्थिति हुई है, जो आत्मज्ञानी है, जो शांति का सच्चा रास्ता जानते हैं, ऐसे सत्पुरुष से ही आत्मा की बात या शांति की बात श्रवण करने योग्य है और उनकी आज्ञा पे ही चलने योग्य है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। बोलो इसलिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमको जब तक संसार का रस है, संसार का रस है, तब तक आप जिसको शांति मिली है ऐसे पुरुष को ढूंढोगे भी नहीं और पहचानोगे भी नहीं, अगर आपके आजू बाजू में होंगे तो पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि आपको शांति नहीं चाहिए, आपको संसार में रस है, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं हो सकता है, इसीलिए चाल ऐसी चलना है कि पहले मुमुक्षु बनना है, तो मुमुक्षु बनने के लिए पहले अवलोकन करो, अवलोकन अगर आप सही करोगे तो आपको शांति की सच्ची भावना हो जाएगी, शांति की सच्ची भावना होगी तो आपको शांति कैसे प्राप्त करना वो जानना होगा, वो जानने के लिए आप सदगुरु की तलाश करोगे करोगे करोगे, क्योंकि नियम ऐसा है संसार में भी क्या हर जगह भी क्या, जो चीज की प्राप्ति करनी है
वो चीज जहां मिलती है वहां ही हमारे पैर जाते हैं। पहले हम कहीं से भी जाके नहीं लेते, मेडिकल शॉप में जाकर के दूध दियो दही दियो नहीं बोलते हैं हम लोग। देख लेना आप, डॉक्टर के पास जाकर के जाओ मेरे जूते सी के दो नहीं बोलते हैं हम, क्योंकि हमको पता रहता है पहले तरीका ये काम करने का कि हमको अगर शांति चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे सबसे पहले, किसको पूछेंगे, हमको तो मालूम नहीं। और मालूम है ऐसा अगर आपको हो गया है तो आप क्यों शांति को प्राप्त नहीं हुए हो? आपको शांति चाहिए और आपको मालूम है तो आपको शांति लेने में कितनी देर लगे, लेकिन आपको देर लगती है, आपको अभी भी सच्चा रास्ता नहीं मालूम है, तो फिर शांति के विषय में मनमानी नहीं करना। लोग शरीर के विषय में भी मामूली सा भी रोग आया हो तो अपने आप दवा नहीं लेते हैं, क्यों? कहीं लेने के देने नहीं पड़ जाए, कहीं रिएक्शन ना हो जाए दवाइयों का, डॉक्टर को पूछ लेंगे बाद में लेंगे, अभी अपने आप दवा नहीं करना है। तो ये तो शांति का मामला है, जो अनंत काल में नहीं मिली है तो फिर हमको क्या करना है, अपनी मनमानी तो नहीं करना है। अगर आप जानते हो रास्ता तो शांति प्राप्त करने में थोड़ी भी देर नहीं लगती, एक दिन भी नहीं लगता है, एक घंटा भी नहीं लगता है असल में, अगर आप जानते हो तो। लेकिन नहीं जानते हो तो फिर कहा ना, अपनी कल्पना से नहीं चलना एक बात, और चलते संसार में कहीं भी नहीं चलते हो अपनी कल्पना से। अनजाने गांव में जाओगे तो भी दूध लेना है तो चलो और जो दुकान आया घुस जाओ उसमें दूध दे करके, ऐसा कोई नहीं बोलता है। अनजाने शहर में भी आपको पहले पूछना पड़ेगा कि भाई यहाँ डेयरी किधर है, यहाँ दूध कहाँ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो भी दुकान मिली वो घुस जाओ अंदर में, छोटे गांव में तो क्या दुकान पे बोर्ड भी बस सही नहीं होते हैं, ऐसे भी होता है, तो अब निकले बाहर जो दुकान आया घुस जाओ लाओ दूध, ऐसा नहीं बोलते हो आप, पहले पूछ लेते हो भाई यहाँ दूध कहाँ मिलेगा, क्योंकि आपको दूध चाहिए। ऐसे यहाँ शांति चाहिए तो आपको वो तलाश करना जरूरी है कि किसको शांति मिली है, कौन जानता है सही रास्ता, उसकी बात में विश्वास कितना है, जोर कितना है, गारंटी कितनी है कि गारंटी 6 महीने में हो जाएगा, नहीं ऐसा हो जाएगा, कि ड्यू देने का कारण क्या है, ताकि लोगों को विश्वास आए। बाकी काम तो करना अपने को है, वो 6 महीने में हो सकता है, 1 दिन में हो सकता है, 1 घंटे में हो सकता है, लेकिन खुद नहीं करे तो, खुद आलसी बने तो 6 साल में भी नहीं हो और 6 भाव में भी नहीं हो, वो तो बात खुद के ऊपर है, लेकिन हो सकता है इतनी गारंटी है अगर करना चाहे तो। विश्वास दिलाने के लिए बात है, और विश्वास दिलाना क्या, आप सुनते हो तो करो, अगर आपको लगता है 6 महीने में होता है तो बढ़िया, क्या बात है, इससे बढ़िया अच्छा है ना, आप स्टार्ट करो अवलोकन से, खुद ही पता चल जाएगा कि होगा कि नहीं होगा। पहले से अरे अरे ऐसे थोड़े झाड़ लटकते हैं धर्म के, आत्मदर्शन इतना इजी थोड़ा है, ऐसे थोड़े हो सकता है, ऐसे उल्टे क्यों चलते हो, आप करके देखो, स्टार्ट करके देखो होता है कि नहीं होता है, खुद को मालूम। सुख धाम